ग्राम पंचायत मुर्रा के पूर्व सरपंच संतोष वर्मा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 2 महीने से धरने पर थे। अनेक विधायक के बंगले, मंत्रियों के बंगले खटखटाने के बाद भी कोई भी सम्मानजनक कार्यवाही न होने पर संतोष वर्मा दिल्ली जाने के लिए लोगों से चंदा मांग रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ग्राम मुर्रा के पूर्व सरपंच संतोष वर्मा, जो अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरने पर भी बैठे हुए हैं और राजधानी आके मंत्रियों के बंगलों के चक्कर लगाए, लेकिन इसके बाद भी जब उन्हें उनके ऊपर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो अब सीधा वो अपने रथ में बैठ कर दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप दिल्ली जाने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। हाँ, कब जाने वाले हैं? अब तो चंदा वसूली चल रहा है जाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं। चंदा वसूली क्यों किया? खदान को मेरा बंद कर दिया, व्यवसाय खत्म है ना। मैं 25 साल का कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस की सरकार में मेरा न्याय नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनसे अपना ज्ञापन रखने के लिए मतलब दिल्ली जाने वाला हूँ, तो उसके लिए पैसे के जुगाड़ में मैं चंदा वसूल कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन बॉबी कुमार खांडे के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला, NTT हिंदी।